नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोलाइड अवस्था में कोलाइड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके बारे में बात की थी। आज मैं आपके सामने एक वेल नोन टॉपिक जो कोलाइड में आता है, हार्डी सुलजे का नियम, उसकी बात करते हैं। देखो, हार्डी सुलजे का नियम पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक है या कोई बिंदु है कि कोलाइडों का स्पंदन कैसे होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, न कि सीधा हम डेफिनेशन पे जाएं। तो बात करते हैं कि कोलाइडों का स्थायित्व क्यों होता है या कोलाइडिबिलियम स्थायी क्यों होता है। तो उसके दो कारण हैं। एक तो जो कोलाइडी कण होते हैं उन पर कणों पर एक ही प्रकार का आवेश होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होता है। इस कारण कोलाइडी कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते रहते हैं, इसलिए वो स्थायी होते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि जो वितरण माध्यम है वो कोलाइडी कणों पर एक रक्षक परत बना लेता है, प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेता है, इस वजह से भी कोलाइडी कण स्थायी रहते हैं। अब बात करते हैं स्कंदन की, कोऑगुलेशन। व्हाट इज कोऑगुलेशन? अब बात स्कंदन क्या होता है कि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, ये मैं पहले से बात कर रहा हूं और मैंने पिछली क्लास में बात की थी। तो कोलाइडी कणों पर आवेश को किसी भी प्रकार से अगर संतुष्ट उदासीन कर दिया जाए, बैलेंस्ड कर दिया जाए, तो जो कोलाइडी कण है पास आके छोटे छोटे कण बड़े कण में बदल जाएंगे और इसका स्कंदन हो जाता है और इसका स्कंदन अवक्षेपण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो क्या हुआ कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोलाइडी कणों का स्कंदन होता है उसे स्कंदन कहते हैं, या अवक्षेपण की प्रक्रिया या उर्णन कहते हैं, फ्लोक्युलेशन कहते हैं। तो मैंने बात की कि कोलाइडी कणों पर जो आवेश है उसको उदासीन कर दिया जाए। तो मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड सोल है, इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें यदि क्या मिला दे, बेरियम क्लोराइड मिला दे थोड़ा सा, तो बेरियम पे क्या चार्ज होता है, प्लस टू चार्ज होगा। अब जो बेरियम आयन है वो क्या करेंगे, इन ऋणावेशित कणों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे कण इसके पास में आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब एक देखो कितना एक बड़ा कण बन गया ना, इस प्रकार से इसका अवक्षेपण हो जाता है। इसी प्रकार से अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल ले लें, इस पर क्या होता है, धनावेश होता है। तो इसमें भी अगर जैसे सल्फेट आयन मिला दें, अपन सल्फेट आयन ले लें, तो ये सल्फेट तो आयन है यहां पर, तो यहां पर ले लेते हैं अपन, सल्फेट अंदर आ जाएगा और इसके चारों तरफ क्या इकट्ठे हो जाएंगे, ये धनावेशित कोलाइडी कण जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के होंगे, इकट्ठे होके बड़े कण में बदल जाएंगे, इस वजह से इसका स्कंदन हो जाता है। जब यहां तक बात समझ में आ जाती है तो आगे का जो पॉइंट है बड़ा, हार्डी सुलजे का नियम, वो आगे अपन क्लियर करेंगे कैसे। तो हार्डी सुलजे नियम का जो है इसमें उसकी परिभाषा है कि किसी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन, उसमें मिलाए गए जो बाहर से विद्युत अवकट मिला रहे उसमें उपस्थित आयनों की आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात धनायन हो या ऋणायन, उस पर जितना अधिक आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मैं बात करूं इसमें, जैसे मान लो धनायन की बात करें, तो जैसे Sn प्लस 4 प्लस चार्ज है, इसमें एल्यूमिनियम प्लस 3 चार्ज है, बेरियम क्लोराइड बेरियम प्लस 2 है, ऐसे ही Na प्लस, तो इसका स्कंदन क्षमता इधर बढ़ेगी। और अगर बात करें किसी ऋणायन की बात करें, तो ऋणायन में जैसे मैंने Cn4 माइनस क्या दिया, 6 ये लिया, 4 6 अंदर आएंगे और 4 बाहर, ये माइनस 4
और इसी प्रकार से फोस्फेट आयन है -3 और सल्फेट आयन ये है और क्लोराइड माइनस। तो रिडाइनो में अगर देखें तो स्कंदन क्षमता इधर बढ़ रही है। तो हार्डी सूर्य का नियम स्पष्ट कहता है कि धनायन हो या ऋणायन, जो मिलाए गए बाहर से जो धनायन विद्युत अपघट्य है उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन उस पर कितना अधिक आवेश है, जितना अधिक आवेश होगा इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। ये यहां तक अपनी बात क्लियर हो गई। और एक आता इसमें ऊर्णन मान क्या होगा, फ्लोक्युलेशन वैल्यू। ऊर्णन मान क्या हो गया, मिली मोल प्रति लीटर में आवश्यक न्यूनतम मात्रा किसी पदार्थ की जो किसी कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए आवश्यक होती है। ये अपने हार्डी सुलझे का नियम पढ़ा। अब हार्डी सुलझे का नियम है इसके ऊपर आधारित कई सारे एप्लीकेशन है कोलाइडो के, जैसे ब्लड का थक्का, रक्त का थक्का जमना, जिसे हम सेविंग करते हैं तो कई बार कट लग जाता है या अभी गलती से कहीं कट लग गया तो उस पे यदि फिटकरी पोटास एलम के K2SO4 Al2SO4 24H2 ये फिटकरी है या कोई फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाएंगे तो क्या होता है कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, उसमें ब्लड में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन पे नेगेटिव चार्ज है और इसमें जो फिटकरी है उसमें एल्यूमिनियम +3 आयन है या आपने फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया तो ये लगाते क्या होगा इसका जो मैंने ये बताया, इस प्रकार से स्कंदन चालू हो जाएगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा, ब्लड बहना बंद हो जाएगा। अब बात करें जैसे दूसरा और एप्लीकेशन इसका, डेल्टा का निर्माण, जहां पे नदियां समुद्र में जाके गिरती है और वहां पर काफी बड़ा जैसे एक कठोर भूभाग बन जाता है। आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे जो नदी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जहाँ समुद्र में गिरती है वहां पर काफी बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। तो डेल्टा कैसे होता है कि जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ मिट्टी गाद लेके आती है और मिट्टी पे, अब मैंने बताया था कि इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, और जो समुद्र का पानी होता है उस समुद्र के पानी में Na+ या K+ या Ca+2 आयन ये होते हैं और जब ये माइनस और प्लस मिलते हैं तो मिट्टी के कण उदासीन हो जाते हैं और पैंदे में जम जाते हैं और कालांतर में धीरे धीरे वो मिट्टी के कण इकट्ठे होते रहते हैं और भूभाग बन जाता है। तो जब डेल्टा की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ये नदी है तो यहाँ से छोटी छोटी नालियों के रूप में पानी जाता है, ये बड़े बड़े भूभाग बन जाते हैं या टापू का निर्माण हो जाता है, ये डेल्टा का निर्माण है। तो ये मैंने हार्डी सुलझे के नियम पर आधारित कुछ एप्लीकेशन की बात की। अब एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा इसी के साथ में, एक आता स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, कि गोल्ड नंबर क्या होता है उसकी बात मैं करता हूं। तो गोल्ड नंबर जस्ट इसकी बात जैसे अपन ने स्कंदन किया उसी प्रकार से है कि जैसे मानक गोल्ड सोल है 10 ml गोल्ड सोल लिया और उसमें 1 ml अपन ने मिला दिया 10% NaCl का विलयन। अब आपको पता है गोल्ड सोल है इसमें नेगेटिव चार्ज है और NaCl में Na+ आयन है, इस पे धनावेश है तो इसका क्या हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा और ये सोल इसका स्कंदन होगा, ये स्कंदन हो गया और ये नीला रंग हो जाता है इसका। अब क्या करना है कि जो स्कंदन की बात की थी कि ये कौन से नियम के अकॉर्डिंग हो गया, हार्डी सुलझे के नियम के अकॉर्डिंग हो गया। अब यदि इसमें कोई बाहर से कोई पदार्थ मिला दे, इसी वाले में मिलीग्राम में कोई पदार्थ मिला दें, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन ले लिया तो HB में इसका 0.03 मिलीग्राम आवश्यक होता है। जब ये बाहर से मिलाएंगे तो यहां पर इसका स्कंदन नहीं होगा, स्कंदन नहीं होता है, रुक जाता है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि किसी द्रव इसने ही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो किसी जो 10 ml मानक गोल्ड सोल जिसमें 1 ml NaCl का मिला हुआ है उसके स्कंदन को रोक दे तो उस मिनिमम मात्रा को या जो मिलीग्राम में जो मात्रा ली है उसे कहते हैं स्वर्ण संख्या। तो जो ये द्रव इसमें कोलाइड क्या कर रहा है, इस पर प्रोटेक्टिंग लेयर बना रहा है जो इसके स्कंदन को रोक रहा है। तो मैंने आज बात की कोलाइड अवस्था में हार्डी सुलझे का नियम। तो हार्डी सुलझे का स्पष्ट है कि धनायन और ऋणायन पे आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी, उसकी स्कंदन की मात्रा बढ़ती जाएगी।
और ऐसे ही मैंने स्वर्ण संख्या की बात की। तो जहां तक है आपके ये स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।